हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 हमें दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेलोग्राम। ये जो पैरेलोग्राम है इसका एरिया निकालना है इन द गिवन फिगर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी निकालनी है फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड सी डी। सी डी के ऊपर जो हमने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है इसकी भी लंबी लंबाई बतानी है, जिसमें नाम दे देता हूँ ए ई। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए पहले हमें इस पैरेलोग्राम का एरिया निकालना पड़ेगा, और पैरेलोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास गिवन है कि जो बी डी डायगनल है वो इस पैरेलोग्राम को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि हमने चैप्टर 8 के अंदर भी पढ़ा था कि डायगनल जो होता है वो इस पैरेलोग्राम को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ, वी नो दैट डायगनल ऑफ अ पैरेलोग्राम डिवाइड इन इक्वली टू पार्ट। ठीक है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। इन दोनों का एरिया क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, पूरे पैरेलोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से है, डी सी बी 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मैंने लिखा इन ट्रायंगल बी सी डी, इसे मान लिया ए 12, बी मान लिया 17 को और सी मान लिया 25 सेंटीमीटर को। मानने के बाद सेमी पैरीमीटर निकालना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू के। 12 प्लस 17 प्लस 25 एंड डिवाइड बाय 2, इन सभी को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 54, 2 का डिवाइड दिया तो यह है 27। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के। एस की जगह 27, 27 माइनस ए, ए यानी कि 12, 27 माइनस बी यानी कि 17, 27 माइनस में सी यानी 25, 27, 27 में से 12 माइनस किया 15 आया, माइनस के 17 10 आया, माइनस किया तो 2 आया। इनके करेंगे फैक्टर, 27 के होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 15 के 3 इंटू 5, 10 के 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 होता है, इंटू में 2। अब बनाएंगे इनके पेयर, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया, क्योंकि अंडर रूट में जिसका पेयर बनता वही नंबर केवल बाहर आ पाता है। ठीक, इन दोनों के पेयर में से 3 कॉमन आया, इन दोनों में से 3, इन दोनों में से 5, इन दोनों में से 2। तो देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 2 जा 90, तो इसका एरिया हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बट हमें क्या चाहिए? इस पूरे पैरेलोग्राम का एरिया चाहिए, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ पैरेलोग्राम 19 टू 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। एक का निकाल लिया, दो से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जबकि पैरेलोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, बेस और हाइट हमेशा टी शेप में होते हैं, ये बेस होगा तो ये हमारी कौन होगी? हाइट होगी। ये बेस होगा तो ये हाइट होगी, ये बेस होगा तो ये हाइट होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर पे होती है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं गिवन है, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है, सी डी इंटू ए ई, सी डी इंटू ए ई। तो मेरे क्वेश्चन में गिवन है सी डी कितनी है? 12, तो यहाँ लिखा 12 इंटू ए ई, ए ई मल्टीप्लाई में 12 है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में, 180 में 12 का डिवाइड देंगे, 12 एकम 12, 6 12 5 60, हमारी जो हाइट होगी ए ई परपेंडिकुलर वो हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।